अभी जो आप देख रहे हैं ये है वर्लपूल का एसी, और इसकी जो गैस लीकेज हुई है यहाँ से हमें ऑयल का कुछ लीकेज जैसा दिखाई दे रहा है। भैया कितना टाइम हो गया इस एसी को? डेढ़ साल हो गया। तो इसका पहले प्रेशर चेक करते हैं। पाइपिंग भी इसकी बिल्कुल हवा में हुई हुई है। ये आपने इंस्टॉलेशन कंपनी की तरफ से करवाई है? ऐसा हो रहा है, जो कंपनी वाले आए थे पहले तो नॉर्मल करा था, दुकान पर सेटअप या घर बनने की वजह से पहले यहाँ से निकाला था तार हमने। अच्छा अच्छा, फिर इधर से निकलवाया, फिर बाद में किसी बाहर वाले से करवाया था। तो अभी मैं इसका ये कैप को खोल लिया हूँ और इसमें हम चार्जिंग लाइन कनेक्ट करेंगे जो हमारी R410 और R32 में आती है, यानी कि मोटी वाली चार्जिंग लाइन। और जो हमारे पुराने एसी थे जो R22 जिसमें गैस आती थी, तो उसमें इस तरीके का एक अडेप्टर आता है और ये आगे से चौड़ा हो जाता है और यहाँ चार्जिंग लाइन कनेक्ट हो जाती है। तो हम ये अडेप्टर भी कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अडेप्टर सही थी लग नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए आप नीचे टच हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरीके की चार्जिंग लाइन को यूज़ करने वाले हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि इसमें गैस नहीं है, तो हम डायरेक्टली लगा के देखते हैं कितना प्रेशर है इसमें। अब लग चुका है, ये देखिए बिल्कुल भी इसमें से कोई हवा का कोई संकेत है नहीं। ये देखिए आप, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए बुलबुले और यहाँ पर ऑयल बिल्कुल गीला हो चुका है, ये देखिए। तो अभी फ़िलहाल ये तो पता चल गया है कि कहाँ से लीकेज है। इसमें मैं प्रेशर गेज को लगा लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी कहीं और से भी लीकेज हो सकती है। और यहाँ पे मैं चार्जिंग लाइन को कनेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। हालांकि ये अभी गीला हो चुका है, ये आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा, यहीं से लीकेज है। और इसको इसमें जोड़ लेते हैं अब, क्योंकि मैं वायर लाना भूल गया था, एक्सटेंशन वायर। तो मैं इस तरीके के वायर को आउटडोर के वायर से जोड़ के इस तरीके से चलाऊंगा अभी आउटडोर को। नोच प्लास से मैं इसे जोड़ देता हूँ, हो सकता है कि इसमें फेस कंट्रोल ना हो और मुझे करंट लग जाए। इस तरीके से कनेक्शन हो चुका है और अब इसे खोल लेता हूँ मैं यहाँ से। देखिए ऑन है ये एसी नीचे से, ये देखिए यहाँ पे सही लीकेज है। कर दो ऑफ कर दो, लीकेज मिल गई, आ जाओ। ये देखिए यहाँ से आवाज़ आ रही है, पूरा का पूरा लीकेज है, पता नहीं क्या से कनेक्शन किया हुआ है। नट तो वैसे टाइट है लगता है। हाँ ऑफ कर दो अभी, अभी आउटडोर भी मिल जा रही है इसकी। ये देखिए लीकेज तो मिल चुकी है इसकी, फ्लेयर तो इसमें है ही नहीं, पूरा फ्लेयर टूटा हुआ है। ओहो, तभी से यहीं से हो रही होगी। तो इसके पाइप को हम काट के दोबारा से फ्लेयर बनाएंगे। ये देखिए ये कट चुका है और इस पर ये क्वार्टर का नट डाला हमने। वन अपॉन फोर्थ वाला हिस्सा हमने लगाना है, क्योंकि ये क्वार्टर का पाइप है। और ये फ्लेयरिंग टूल है, इसको टाइटली कस के अच्छे से कस लेना है ताकि फिस लेना। नोच प्लास से थोड़ा मुंह को इसके में फैला लेता हूँ, फाइल से हल्की सी इसको इस तरीके से रगड़ लेते हैं। इसके अंदर कॉपर की बर एक भी नहीं रहनी चाहिए। फ्लेयरिंग योक से इसका फ्लेयर बनाते हैं, यह है योक। इस तरीके के फ्लेयरिंग टूल को यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत तो आती है, महंगे वाले फ्लेयरिंग टूल में आसानी से बन जाता है। लेकिन हमारे पास अभी इतना बजट है नहीं, खनिजी दो चार प्लॉटों का अगर सौदा करें। सेल से बनानी है, थोड़ा और घुमा घुमा के बना रहा हूँ ताकि फ्लेयर हमारा फटे ना। परफेक्टली बन चुका है ये,
ये देखिए बिल्कुल कहीं से भी फटा नहीं है। अब इस पर टैपलॉन लगाएंगे हम, अब क्योंकि बहुत छोटी जगह पे हमने टैपलॉन को लगाना है, तो इसके लिए ऐसे करके तोड़ के फिर इसको इस जगह पे ऐसे करके लगा लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये गैप भरने के लिए यूज़ होता है। तो ये तो हमारा लग चुका है, अब हम अपने क्वार्टर के पाइप में कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। ज़्यादा नहीं लगाना है, ये तो नट आपका खिसकेगा नहीं। और इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे कस लेना है। क्योंकि अभी हमने इसमें टैपलॉन को लगाया हुआ है तो आराम से जाएगा नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत तो करने ही वाला है। इसको बिल्कुल टाइटली हमने कस लेना है, किसी भी प्रकार से ये लूज ना रहे, वरना कस्टमर का फिर से नुकसान हो सकता है। फिर से इसमें प्रेशर को होल्ड करके देखते हैं क्या हमारा प्रेशर इसमें होल्ड होगा। और इसमें जो हम प्रेशर होल्ड करने वाले हैं वो 24 घंटे के लिए करने वाले हैं, यानी कि आज जितने बजे हम डालेंगे कल उतने ही बजे हम देखने आएंगे पहले इसे। अगर हमें प्रेशर होल्ड मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम फिर से इसकी लीकेज को चेक करेंगे कि अगर लीकेज कहाँ पर है। और गैस चार्जिंग में गैस का पैसा कम और फॉल्ट फाइंडिंग का पैसा ज़्यादा होता है, कि कहाँ से प्रॉब्लम है, कहाँ से हमारी गैस लीकेज हुई पिछली बार। तो अभी हमें एक प्रॉब्लम तो मिल चुकी है जो फ्लेयर से थी, मैं इसको फिर से जोड़ लेता हूँ और जोड़ने के बाद में फिर मैं इसमें प्रेशर डालता हूँ। अब हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा धूप तेज़ हो चुकी है और ऐसे में काम करना भी काफ़ी कठिन हो रहा है। धूप तेज़ होने के कारण कई सारी कंप्लेंट पर जाने में हमें दिक्कत भी होती है, गर्मी में काम भी कम हो पाता है। कोशिश करते हैं हम कि जितना हो सके हमसे उतना हम सर्विस अपनी दे सकें। फ्लैश में प्रेशर होल्ड हो रहा है, सुई इसकी उठने लगी है अब, और अभी इसमें 100 के करीब PSI हो चुका है और ऊपर से धूप पड़ी और कैमरा ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है और फिर कैमरे का टेम्परेचर और ज़्यादा हो जा रहा है ऑन होने में। वाल्व इसके खुले हुए हैं, लास्ट में हम इसके वाल्व को बंद कर देंगे ताकि हमें आउटडोर और इनडोर की तरफ का जो भी लीकेज होगा वो हमें मालूम चल जाए। तो इसके लिए इस तरीके की एलन की लगेंगी, ये बिल्कुल बाद का काम है। तब तक मैं साबुन का सोप बबल की तैयारी करता हूँ और इसमें थोड़ा प्रेशर भरने के बाद मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अभी ये करीब 200 के करीब होने वाला है और अभी से हम लीकेज चेक करना इसका स्टार्ट कर देते हैं। स्पंज को गीला कर देते हैं, पानी की बहुत कमी है। और ये शैम्पू है, पहले इसकी क्वार्टर के पाइप में ही चेक कर लेते हैं। और अब इसके हाफ के पाइप में, एक्चुअली हाफ के पाइप में तो अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ना पाइपों में कहीं भी नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अभी 250 के करीब है, मैं 350 से 400 के बीच में कहीं भरेंगे, या फिर 400 भी भर सकते हैं पाइपिंग, क्योंकि काफ़ी लंबी है, इंडोर आउटडोर सब मिक्सअप है। ये हमारे को ये बोल रहे हैं कि कमाते रहो, यही वो कस्टमर है हम सीजन। टेम्प्रेरी पाइप को रोक चुके हैं और होता हो चुका है, अभी इसमें 400 प्रेशर हो चुका है, 400 प्लस भरने वाले हैं। हर चीज़ ओवर टेम्परेचर है, अभी इसमें 400 से थोड़ा सा ज़्यादा हमने भर लिया है। आप भैया पूरे धूप में बैठे हो कि दिन की धूप में? वो भी आराम से आदमी पक जाएगा पूरा ऐसे। इसके वायर को हम काट लेते हैं यहाँ से ये। और दीपक भैया लास्ट दिन जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, हाँ, तो हम इसका आउटडोर इंडोर सब कुछ प्रॉपर वॉश कर लेंगे। हाँ अच्छे से करवा देंगे सारा। ऐसे एलन के से वाल्वों को सारे बंद कर लेते हैं।
टाइट कैप लगाने के बाद। इसका एक फोटो हम सामान पैक करके चलते हैं घर को। और यही वो वर्लपूल का एसी है और इसका एमसीबी यहाँ दिया गया है और इसकी पाइपिंग भैया बता रहे हैं कि इसमें ड्रेनेज का भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम वो बाद में सॉल्व करेंगे। और इसकी पाइपिंग जो है वो कुछ इस तरीके से गई है, देख सकते हैं बाहर। और ये दुकान का नाम है कल्चर करके। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे का आपको बाद में दिखाएंगे।